नमस्कार दोस्तों, समस्या है आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, निरंतर बात करते चले जा रहे हैं सूर्य के गोचर के बारे में, जो कि 14 जनवरी सन 2018 को धनु राशि छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करके उत्तरायण के हो जाएंगे और 13 फरवरी सन 2018 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है वृष राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, वृष राशि के जातकों के लिए अब तक क्या था, सूर्य उनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि कहीं ना कहीं उनके इनहेरिटेंस के लिए कुछ थोड़ी बहुत ट्रबल दे सकता था या सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत उनको तकलीफ आ सकती थी, परंतु अब वो उनके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। तो भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, जैसा मैंने हमेशा बोला कि सूर्य जो है एक एनर्जेटिक प्लैनेट होता है, परंतु एक वो गर्म प्लैनेट भी होता है, यानी जिस घर में भी बैठते हैं उस घर के सुखों में थोड़ी सी कमी लाते हैं, यानी थोड़ा सा उसके फलों को जलाते हैं। तो दोस्तों, वृष राशि के लोगों के लिए उनके भाग्य स्थान में सूर्य बैठेगा, थोड़ा एनर्जेटिक तो रहेगा परंतु उस हिसाब से उतने फल को वो प्राप्त करने नहीं देंगे। इसके अलावा भाग्य थोड़ा बहुत साथ अवश्य रहेगा, अगर सरकार का सूर्य जो है प्रतीक होता है तो कहीं ना कहीं सरकार से रिलेटेड कुछ कार्य या ट्रांसफर, अगर जो लोग सरकारी नौकरी में, क्योंकि ये लॉन्ग ट्रेवल का हाउस भी होता है, तो ऐसे लोगों का क्या है कि कुछ ट्रांसफर इत्यादि भी हो सकता है, कुछ लॉन्ग ट्रेवल्स हो सकते हैं या सरकारी कार्यों की वजह से उनको कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ सकता है, या अगर कोई विद्यार्थी हैं और उन्होंने कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए दिया तो हो सकता है उनका जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं दूर पड़े, या अगर उनकी कोई पोस्टिंग होनी है तो वो किसी दूर की जगह पे हो सकती है, तो उसमें क्या थोड़ी सी भाग्य में कमी क्या आ गई कि आपको घर बार छोड़ करके कहीं ना कहीं दूर जाना पड़ेगा, परंतु दूसरी तरफ आपका भाग्य एक्टिवेटेड भी हो गया कि आपकी जॉब लग गई। तो इस प्रकार की थोड़े मिश्रित फलदायी रहेगा वृक्ष राशि के लोगों के लिए। ओवरऑल में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले क्या है, आपकी महादशा अंतरदशा ही एक्चुअली काम कर रही होती है, उसके बाद ही हम गोचर को देखते हैं। अगर पहले से महादशा अंतरदशा बहुत बढ़िया चल रही है और साथ में कुछ छोटा मोटा पॉजिटिव गोचर आ गया तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाता है, परंतु अगर पहले से महादशा और अंतरदशा खराब नक्षत्रों में चल रही होती है, पॉजिटिव रिजल्ट वाली नहीं चल रही होती और उसके साथ थोड़ा बहुत पॉजिटिव गोचर भी आया, तो इतना फल हमें प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक सामान्य फल की बात की जाती है। जैसा हमने बोला कि भारत में मान लीजिए 120 करोड़ लोग हैं और 12 राशि हैं, तो 10 करोड़ लोगों के साथ एक जैसा तो नहीं चलेगा ना, ये केवल एक सामान्य फल होता है। सबसे पहले आपकी कुंडली ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही होती है। तो दोस्तों, खास तौर से ध्यान रखना होगा, अगर आपका जो ये जो घर है आपके साले साली का भी होता है, कारण सप्तम से थर्ड हाउस होता है, तो उनका थोड़ा सा मिजाज गर्म हो सकता है, तो कृपया उनसे ना उलझें, थोड़ा सा आप उनसे दूरी बना करके रखें, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे तो आपका सूर्य अच्छा होता चला जाएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ी समस्या आ रही है तो पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का आप आशीर्वाद प्राप्त करें, यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सूर्य को आप निरंतर जल देते चले जाएं, यह आपको काफी हद तक हेल्प करेगा, और गायत्री मंत्र का जितना निरंतर आप जाप करते चले जाएंगे आपका सूर्य और भी बेटर होता चला जाएगा तथा आपके भाग्य को और भी बढ़ाता चला जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं वृष राशि के जातकों के साथ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।